हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। यार धूप बहुत अच्छी निकली है और मैंने बच्चों के ऐसे तो मैं रोज ही लगा देती हूँ कम्बल उम्बल डाल रखे हैं। अभी मैंने काफ़ी चीज़ें डाल रखी जो कि धीरे धीरे उठा ली, क्योंकि मैं सोचती हूँ जैसे बच्चे खेल रहे हैं फटाफट फटाफट कुछ ना कुछ काम करती रहूँ। बहुत धूप हो रही है बाहर, ना रिफ्लेक्शन आ रहा है आपको दिखाई नहीं दूंगी मैं ना, ऐसी बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है बालकनी में, और बल्कि आधी तो कम भी हो गई है, बट फिर भी बहुत। बच्चे यहाँ उठे हुए हैं, खेल रहे हैं, अपने खुश हैं, मस्त हैं। बहुत ड्राइनेस होने लगी है मुझे, मतलब मेरी स्किन भी उतरने लगी है। अब सर्दी का मौसम आ गया ना, इसलिए वैसे ही मेरा बहुत ज़्यादा ड्राई रहता है तो आपको पता ही है। और देखो टीवी हमारा रखा है, आपको कल दिखाया ही था, और हम सोच रहे हैं कि कल आएंगे भैया, क्योंकि आज मैं नहीं संभाल पाऊंगी टीवी की फिटिंग। और गाइस हम क्या करें समझ में नहीं आ रहा, मैं ये टीवी पैनल यहीं रखूं या दीवार पे टीवी लगाऊं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। पर हमारा ना स्पेस बहुत कम है, घर बहुत छोटा है, तो ये मतलब टीवी हमें ना, ये मतलब पूरा सेट ना हमें ना वहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हॉल में। फोन आ गया, शायद कुरियर आया होगा। हाँ जी, क्या हो गया? आ रही हूँ। क्या खाया तुमने? देख रहे हो गाइस क्या करता है लड़का, पन्नी लेके घूम रहा है, पता नहीं किस चीज़ की है, अभी से लेनी पड़ेगी मुझे। तो उस हिसाब से ना बच्चे, मैं जैसे मिल्क के ना पीछे के दांत नहीं आए हैं, सिर्फ ये फ्रंट फ्रंट के आए हैं, तो ऐसे ऐसे ना च्यू नहीं कर पाता है। और मिल्क का तो कर लेती काफ़ी चीज़ें ना, बट मिल्क का को भी थोड़ा ना ऐसे ऐसे मसल के रोटी वोटी ये सब, ए नहीं लाओ दे दो, तो करके देना पड़ता है, बट वो खा लेती है, बट मैं काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाता है। उसके दांत अलग डायरेक्शन से आए, अलग उससे स्टार्टिंग हुई, उसके अलग स्टार्टिंग हुई है, तो उस हिसाब से ना दोनों का अलग अलग चल रहा है, तो बस इस हिसाब से। और अभी गाइस बहुत काम पड़ा है, तो मैं मतलब काम तो क्या, वो छुट पुट रहता है, जिससे थोड़ा सा घर मैनेज करना पड़ता है। अभी वो रूम भी काफ़ी फैला हुआ है, मैंने बेडशीट थोड़ी देर धूप में डाली थी, तो वो बेडशीट तो बहुत क्लीन ही रहती है, और यहाँ तो आपको पता ही चेंज करती रहती हूँ। और गाइस ये दिवाली की बात, हमारे यहाँ फेस्टू नहीं बनेगा, क्योंकि हम आपको पता है साल भर तक का परहेज रहता है, तो मैं लेकिन घर तो साफ़ सुथरा रख ही सकते हैं ना, तो इस वजह से घर साफ़ सुथरा, हर चीज़ सफाई वफाई बहुत ज़रूरी है ना, तो बस त्यौहार हम मतलब ऐसे नहीं बनाएंगे, या बहुत अच्छे तरीके हर चीज़ जिसे प्रॉपर बनाते हैं वैसे थोड़ी सी नहीं करेंगे। बट हाँ, घर की दिवाली एक सफाई का भी त्यौहार है, तो लक्ष्मी माता का मतलब वास होता है, उस दिन आती हैं, तो साफ़ सफाई तो रखी गई घर में, तो काफ़ी चीज़ें मुझे ऑर्डर भी करनी है, क्योंकि लेने तो मैं नहीं जा पाऊँगी, बच्चे कौन संभालेगा। तो वैसे ना ये देखो अपने अपने लग रहे हैं, अलग लग रहे हैं अपने अपने, ये देखो अभी छीनी मैंने, उसके पीछे एरोरा है, ये अलग लग रही है, देखो कसके पकड़ रखा है मैंने इनको, पता नहीं पन्नियों में क्या मिलता है, खाते हैं ही पन्निया। बोल मीट कैट, कैट बोलो, कल तो कैट बोल रहा है, कैट मीका कैसे करती है बता दो, मीका कैसे करती है? हाँ, मी कैसे करता है? हाँ, मेरी बच्ची छोटी सी फ्रॉक पहन के घूमती रह रहा है पूरे घर में आके, कुंडी की। अरे तुमको क्या चाहिए? तुमको सारा ऐसे बिगाड़ने वाला चीज चाहिए? चश्मा तोड़ दिया देखो, देख रहे हो आप, डंडी का इसकी डंडी ये ला के दे दी है मैडम, ये क्या मतलब होता है भाई?
डंडी जोड़ दो, जोड़ दिया। बच्चों कैसे होते हैं, वो जो थोड़ा सा अटकाना था तो अटका दिया। बड़ों के होते हैं जो टूट जाते हैं कटा। यहाँ पर ना सभी ऐसे हैं, देखो निष्ठा ही नहीं है। देखो मैंने चश्मा जोड़ा था ना अभी वो डंडिया अलग करना चाह रहा है, हो नहीं रही है। ये देखो कैसे जुड़ गई है डंडी। देखो ये सब ऐसी है, ये क्या हाल करेंगे, हमें भी तोड़ देंगे क्या है? हमें भी तोड़ोगे आप? हमने क्या बिगाड़ा है? सब तोड़ देंगे गाइस। ये देखो एक साथ मुंह में दो दो चीजें है। कोई बात? और गाइस ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चों की ना मालिश नहीं करती, ये सब नहीं करती, मैं बताने दे क्योंकि सर में तेल लग रहा है ना, तो मैं मतलब ऑन कैमरा मेरे से नहीं, आपको पता है मैं अकेली हूँ, नहीं हो पाता बहुत, तो काफ़ी चीज़ें ना मेरे को ऐसी करना, आपको पता। देखो ऐसा नहीं मैं ना सोच नहीं सकते, मैं पूरा दिन लगी जाती हूँ, मतलब मैं इनकी मालिश भी रात को करी थी मैंने, सर में ऑयल भी देखो अभी दोनों के सर में ऑयल और सर माथे वाथे में सब जगह ऑयल, रात को मैंने हाथ वाथ मार दिया था थोड़ा बहुत, तो अब ये सोच के क्या सुबह नहला दूंगी, बट अभी तो मेरी हालत ख़राब हो रही है, पर हाँ नहलाने तो हैं ही बच्चे, पर थोड़ा खेल लेने दो इनको ना, तब नहलाऊंगी मैं। अरे यार ऐसे मत लड़ो यार, प्लीज ऐसे नहीं लड़ो, क्या हो गया बेटी? बेटी को मैं ला के दूँ टॉय? अच्छा बेटी को टॉय ला के दे रही हूँ। ये देखो गाइस इनका खिलौना ले जा रही हूँ मैं, और ये कैसे चिल्ला रहे हैं इन। अभी तुम्हारे टॉय ऑर्डर करेंगे आज, ठीक है तुम्हें अच्छे टॉयज की जरूरत है, और उनको भी कर देना तुम, ठीक है? दोनों हाँ, ये तरीका होता पन्नी में ये निकालने का, ये तरीका होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीका है। क्लैपिंग 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 क्लैपिंग। तो फ्रेंड बच्चे उठ चुके हैं, और मैं ना जैसे तैसे उनको सुला के ना खाना बनाने जा रही थी, और बड़ी मुश्किल से ना दाल छोकी है, साथ ही साथ डाल भी दी और बन रही है, और बच्चे उठ गए थे, थोड़ी देर ही सोए उठ गए बच्चे, और अभी थोड़ी बहुत देर में ना निष्ठा भी आ जाएगी, निष्ठा का भी टाइम हो गया। तो फ्रेंड्स अभी ना टाइम हो रहा है रात के 10:30, और क्या ही बताऊँ आपको, इनके फ़ोन्स में बैटरी नहीं थी, थोड़ी बहुत बैटरी थी जब तक मैं आया, वो बैटरी भी ख़त्म हो गई फ़ोन्स की, और मेरे फ़ोन में भी इतनी बैटरी नहीं थी, और बच्चे दोनों रो रहे थे क्योंकि गई हुई थी लाइट, और अब जाके लाइट आई है, बस 5 मिनट हुए हैं, और अभी मैं इस फ़ोन को लेके आया हूँ थोड़ा सा चार्ज करके। ये देखो अभी तक ना दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए, उस रूम में लाइट नहीं थी बिल्कुल भी, और मैं शूट भी नहीं कर पाया क्योंकि बैटरीज नहीं थी किसी भी फ़ोन में, सारे फ़ोनों में बैटरी इन्होंने ख़त्म करी हुई है, उसके बाद मेरे फ़ोन में भी बैटरी नहीं थी, बिना लाइट के रहे हम, बिना लाइट के, ठीक है? मतलब मोमबत्ती जलानी पड़ी मैंने इंस्टा की मोम को, फ़ोन की टॉर्च से भी कुछ काम नहीं चला, मोमबत्ती जला के तब जाके हम लोग बैठे, बच्चे बहुत ज़्यादा रोए, 3 घंटे 2.5 घंटे में लाइट आई है, और अब जाके दोनों बच्चे यहाँ पे आए हैं इस रूम में, और मैंने एसी चला दिया। निष्ठा भी देखो थकान के मारे देखो नींद सो ही रही है, और तब से ही क्योंकि जब से लाइट गई है तब से वो सो ही रही है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जब लाइट चली जाती है ना, तो हम सब में से सबसे ज़्यादा जो परेशान होती है वो होती है निष्ठा, ठीक है? सबसे ज़्यादा परेशान होती है निष्ठा लाइट की वजह से, इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है गर्मी, और मेघ का तो रोए जा रहे हैं। अब जाके लाइट आई है, तो अभी निष्ठा की मम्मी इनका बना रही है बिस्तर, फटाफट दोनों को खिलाएंगे कुछ खाने के लिए, लाइट है नहीं अब जाके आइए बताओ लाइट, वैसे हो जाता है कभी कभी, और फ़ोनों में बैटरी ना हो और ऐसे में लाइट चली जाए तो और दिक्कत, क्योंकि फिर मोमबत्ती भी कहाँ कहाँ पर चलाओगे, किचन में चला रखी थी बस निष्ठा की मम्मी ने, उसी से थोड़ा बहुत रोशनी हो रही थी, बाकी बच्चे भी ऐसे बैठे थे, हम भी ऐसे बैठे थे, बैठे क्या थे, बच्चे रो ही रहे थे कंटिन्यू, रो रहे हैं लाइट की वजह से। अब आए हैं तो अब खेल रहे हैं आराम से, अपने तसल्ली से यहाँ पे थोड़ी देर में खेलने देते हैं। ये देखो, और गाइस टीवी आपने देखा कि टीवी आ चुका है नया, उसकी इंस्टॉलेशन कराएंगे हम कल, तो कल इंस्टॉलेशन करा देते हैं, मैंने टाइम तो मैंने फिक्स कर दिया अपॉइंटमेंट, अब कल देखो इंस्टॉलेशन वाले हैं कंपनी की तरफ से, उनका कॉल आ जाएगा, फिर इंस्टॉलेशन के लिए बुला लूँगा और इंस्टॉल करवा लेंगे। निष्ठा की मैम कह रही है दीवार पर इंस्टॉल कराते हैं इस बार, बट अभी मैंने दिमाग लगाया कि दीवार पे इसलिए नहीं करा सकते क्योंकि फिर हमारे पास कोई स्टैंड नहीं है जिसमें हम लोग वाईफाई को रखेंगे, मतलब राउटर को रखेंगे, अगर दीवार पर टीवी लग भी जाता है तो वाईफाई राउटर को कहाँ रखेंगे, अगर हम टीवी पैनल उसको वहाँ से हटा के कहीं और रख देते हैं, बाहर निकालते हैं यहाँ पे हॉल में रख देते हैं टीवी पैनल को, या फिर इस रूम में रख देते हैं अगर टीवी पैनल को, तो वो
जो वाईफाई का राउटर है उसको कहाँ रखेंगे हम अगर टीवी दीवार पे लग जाएगा तो ये अभी निश्चित है कि मैं आपको बताऊंगा कि वाईफाई राउटर कहाँ रखेंगे। हम तो ये सोच रहे थे पहले टीवी को दीवार पे लगाएं बट मुश्किल है, अब सोच रहे हैं, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उसी में लगा लेते हैं जिसमें वो है और उस वाले टीवी को रख देंगे कहीं पर और बाद में उसको ठीक कराते रहेंगे आराम से। देखो एक ही चीज़ से दोनों को खेलना है, ये देखो उसका हाथ दबा दिया, अब देखो अब दर्द नहीं हुआ, खेल में दर्द नहीं हुआ। हाँ दोनों अपने अपने से खेलो, इससे आप खेलो ठीक है और उससे दीदी। ओ माय गॉड, ओ कैसे फेंक रहे हो, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। हाँ लाइट चली गई थी, अभी लाइट आ गई बाबू, देखो देख रहा है लाइट आ गई, हाँ अभी चली गई थी ना, लाइट बंद हो गई थी ना, पंखा बंद हो गया था ना, अभी अब आ गई लाइट, लाइट आ गई, क्लैपिंग कर दो क्लैपिंग कर दो, लाइट आ गई क्लैपिंग कर दो, नहीं करोगे तुम क्लैपिंग, वो देखो देखो कैसे कर रही है वो लड़की, कैसे कर रही है, अभी गिरोगे बेटा, ये गिरेगी ना, ये मीका शैतानी कर रही है ना मीका, इसके अंदर से पेन मांग रहा है, अपना पेन नहीं है बेटा उसके अंदर, नहीं है, नहीं है, सीरियसली नहीं है।